अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं इंडिया फर्स्ट एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इन बम्बई। देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि बहुत ही प्यारी बस है। अभी देखी तो मैंने नहीं, लेकिन लग रही है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कैसी आए बस सांगली आए ना। आप देखो, जब बीएसटी के एम्प्लॉइज है ना, उनमें भी एक्साइटमेंट है। अचानक से देखेंगे ना, तभी मजा। बस में कैश नहीं चलता है, तो आपको चाहिए आइदर चलो कार्ड या आपको चाहिए चलो ऐप। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना चलो कार्ड बनवा रहा हूँ। जो एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल कर, कैसा लगा बस का इंटीरियर वगैरह कैसा लगा? हाँ, कसी आहे पब्लिक। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैं था लंदन, वहां मैंने आपको एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की पूरा मैंने आपको टूर कराया था। अगर आपने न्यूज में पढ़ा हो, अब इंडिया में लॉन्च हो चुकी है सबसे पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, और वो लॉन्च हुई है आमची मुंबई में। तो करंट लोकेशन आपको बता दूं, मैं हूँ सीएसटी बस स्टॉप पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए पूरा एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, वो भी एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस पर, जिसको कल ही लॉन्च किया गया है। अब ये बता रहे हैं दादा, फिलहाल बस गई है चार्ज होने, बाय 4 o'clock इट शुड बी हियर। तो करंटली आपको बता दूं, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करें? नहीं, आपको स्टाइल बताते हैं, कमान थोड़ा सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, और आप ये बस डिपो देख, एक नई बस डबल डेकर इलेक्ट्रिक लॉन्च हुई है, और वो भी एसी, और आपके सामने ब्लॉग नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस आ जाए, बस का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, एक बार आ जाए, पूरा आपको टूर कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ पूरा डिटेल में बताया जाएगा। और अगर आपको इंडिया की सबसे पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस में ट्रेवल करना है, तो आपको बता दूं, बस में कैश नहीं चलता है, तो आपको चाहिए आइदर चलो कार्ड या आपको चाहिए चलो ऐप। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना चलो कार्ड बनवा रहा हूँ। अगर आप 100 rupees का कार्ड बनवाएंगे तो आपको मिलेगा 50 rupees बैलेंस, 70 rupees का बनवाएंगे तो आपको मिलेगा 0 बैलेंस, बरोबर। तो आपके सामने आप मशीन देख लीजिए, बिल्कुल आप इंस्टेंट कार्ड बनवा सकते हो, विदिन मतलब 10 सेकंड में आपका ये कार्ड बन जाता है। आप यहाँ पर आइए, जब भी आपकी बस है, और आप देख लीजिए यहाँ पर चलो कार्ड के, ये हमारे दादा हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर ये आपका चलो कार्ड बनवाते हैं। तो दादा, मेरा 100 rupees का कार्ड बनाइएगा, है ना, 100 rupees का, जिसमें आपको जिसमें मेरे को 50 rupees बैलेंस मिलने वाला है। आप देख रहे हो, मतलब विद इन नो टाइम आपका चलो कार्ड बिल्कुल तैयार हो जाता है। दिस इज, ये देखिए, ये मेरा कार्ड हो गया तैयार। दिस इज डिजिटल इंडिया, ये हुई ना कुछ बात, ध्यान रखिएगा। इस वाली एसी डबल डेकर बस में कैश नहीं चलता है, आपको ये कार्ड चाहिए या आपको चाहिए चलो ऐप। मैं कोशिश करूंगा, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरा 100 rupees का कार्ड, और इसमें आपने दे दिया 50 rupees का बैलेंस, बराबर, जो मेरे को अंदर बस में यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है वो मैं सिस्टम आपको अंदर बताऊंगा। इनिशियली आपको बता दूं, प्लान ये था टू लॉन्च दीज बसेस इन August 2022, बट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट डिलेज बस हो गई लेट, और फाइनली एटलीस्ट एक बस लॉन्च हुई है। आई कैन सी द एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। जो बसेस लंदन में चलती हैं, अब वो बसेस आपको मुंबई में अवेलेबल है। यस, आई कैन सी दैट एसी बस। तो पूरा टूर आपको दिया जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा स्टाफ भी लग रहा है टू मेंटेन दिस। आने वाले टाइम में अलग अलग रूट्स पर बता रहे हैं मार्च तक 30 या 35 बसेस चलाई जाएंगी एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक, कुर्ला के लिए, बीकेसी के लिए, अलग अलग रूट्स पर देखा जाएगा, बट फाइनल एक बस आ चुकी है। चलिए, अब आपको एंट्री दिखाई जाएगी, इंटीरियर वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ, और शेयर कीजिए जो इसमें ट्रैवल करने वाले। बिल्कुल राइट टाइम हमारी बस आ चुकी है, और आप पब्लिक में एक्साइटमेंट देखिए, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं,
वीडियोग्राफी कर रहे कसी आए पास सांगली आए ना आप देखो जब बीएसटी के एम्प्लॉइज है ना उनमें भी एक्साइटमेंट है एसी इलेक्ट्रिक बस बाय स्विच मोबिलिटी अब आपको अंदर लेके चलेंगे पूरा इंटीरियर वगैरह ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ से एनसीपीए कितना टाइम लगेगा करीब 15 मिनट मुश्किल से 15 मिनट की जर्नी चलिए अंदर लेके चलेंगे पहले आपको पूरा पूरा आपको इंटीरियर दिखाएंगे बट देखिए डबल डेकर बस क्या लगती है अब तक ये बसेस जैसे मैंने आपको बताया अब तक ये बसेस सिर्फ लंदन में थी बट अब मुंबई में ये बसेस अवेलेबल है अब आपको बस के अंदर लेके चलेंगे रूल नंबर 1 ध्यान रखिए पीछे से आपको बोर्ड करना है आगे से उतरना है दैट इज ऑफिशियल और जैसा मैंने आपको बताया था अंदर कैश वगैरह कुछ भी नहीं चलता है आपको ये चाहिए चलो कार्ड आपको बस बोर्ड करनी है और देखिए यहाँ पर मशीन लगी हुई है आपको कार्ड टैप करना है एंड यस सक्सेसफुल टैप इन आपका बैलेंस हो गया डिडक्ट और आपको शो करेगा करंट बैलेंस कितना है और आप आ जाइए अंदर या तो आप लोअर डेक में बैठना चाहें अपर डेक में बैठना चाहें जैसे ये देखिए ये बिल्कुल डिजिटल सिस्टम बसेस में आप सोचिए गवर्नमेंट बसेस में लॉन्च हो चुका है दिस इज टोटली न्यू एंड दिस इज समथिंग ये बदलाव होगा देश में आने वाले टाइम पे देखिएगा अभी और बसेस में सेम चीज इम्प्लीमेंट होने वाली है चलिए हमारे ड्राइवर का होगा तैयार बस आप देख लीजिए निकलने के लिए तैयार सबसे पहले आपको पूरा इंटीरियर दिखा दूं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो गया फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक मशीन आपको आगे दी गई है एक मशीन आपको पीछे दी गई है ये देख लीजिए कंडक्टर दादा कैश वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है आप देख लीजिएगा टोटल पैसेंजर कैपेसिटी 65 पूरा मैं आपको दिखा दूं फुल एसी बस हो गई इस तरफ चलेंगे तो पीछे से मैं आपको पीछे से ऊपर लेके चलता हूँ ये देखिएगा यहाँ पर पूरा इंटीरियर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा ये पूरा ऊपर का नजारा आपको दिया गया है वाह क्या हालचाल टोटल बस का 65 पैसेंजर कैपेसिटी हो गई और अगर आप मेरे से पूछे जो मजा ऊपर से ट्रैवल करने में है आराम से जो मजा ऊपर से ट्रैवल करने में है हैशटैग आमची मुंबई का नजारा आपको यहाँ से मिलेगा ये देखिए अगर आप टूरिज्म के लिए ट्रैवल करने आ रहे हैं मुंबई आ रहे हैं डू नॉट फॉरगेट दिस इज समथिंग न्यू एंड दिस इज हैपनिंग ओनली इन आमची मुंबई ये नजारे देखिए डबल डेकर बस एसी बस और जैसा आपसे कहा दिस इज जस्ट वन बस अभी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अराउंड 30-35 बसेस और लाने वाली है इंटीरियर आप देख लीजिए फर्स्ट क्लास सीसीटीवी कैमरा देखोगे पैसेंजर पूरी बस अभी फिलहाल फुल है हम जा रहे हैं CSMT2 हम जा रहे हैं NCPA जिसकी कॉस्ट है वन वे की अराउंड 6 रुपीज बस की जर्नी लगभग मान लीजिए 15-20 मिनट बट ये मुंबई के नजारे जो आपको मिलते हैं देखिए अभी तो बस चलेगी फिर आप देख लीजिए ये फ्रंट व्यू अपर डेक से आपको क्या नजारे मिलते हैं हमारा लास्ट स्टॉप आने वाला है तो छोटी सी जर्नी 15-20 मिनट की जर्नी मेरी यही एंड होती है हम पहुंच चुके हैं NCPA और एग्जिट के लिए भी आपको टैप करना है यस टैप कीजिए 86 रुपीज सेम बैलेंस स्लिप निकाल लीजिए और आपकी जर्नी होती है खत्म एकदम लाजवाब जर्नी में तो कहूंगा लाजवाब बेस्ट का आपको हिस्ट्री पता ही है बट ड्राइवर दादा से बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है सबसे बताइए आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं दादा हो गया 25 साल 25 साल अब ये बिल्कुल नई बस आपके हाथ में आई है इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर इसका तजुर्बा जो एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू अलग बस कितना अलग है चलाने में दोनों बस से बहुत अलग है अच्छा एकदम हल्का लगता है एकदम हल्का लगता है भागने में से हाँ भागने में भी सही है जी और जो नॉर्मल बसेस है उसमें क्या एसी वगैरह नहीं है ड्राइवर दादा के लिए इसमें आपके लिए फुल एसी है तो मुंबई में जितनी गर्मी पड़ती है हम जानते हैं तो उसके लेकर भी आपको आरामदायक एकदम बराबर तो आप जो पुरानी एसी डबल डेकर बस और पुरानी जो डबल डेकर बस थी नॉन एसी वो चलाना पसंद करेंगे कि ये वाला चलाना पसंद करेंगे ठीक है
चलिए थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच गवर्नमेंट, इनके लिए एक लाइक बनता जरूर है। अब ये ट्रिप हो गई, एक एक तरफ की ट्रिप होती है कंप्लीट, आप देख लीजिए। आई एम एट NCPA, अगर आप मुंबई से हैं, NCPA की फुल फॉर्म बताएं जरा कमेंट करके बताइएगा। 6 रुपए लगे, अब मैं जा रहा हूँ वापस, यहाँ से मैं जा रहा हूँ CST, 6 रुपए और देंगे और एक ट्रिप और करेंगे। मजा आ रहा है घूमने में। जो बस आप सोचिए, जो बस लंदन में चलती थी वो बस अब हमारी मुंबई में चलने लग गई। अब क्या चाहिए, मी आए मुंबई का। तो यहाँ से NCPA से वापस हमारा सफरनामा शुरू होने जा रहा है। आपको ये दिखा दूं, बस इज बाय स्विच मोबिलिटी। अगर आप देखोगे तो ये हो गया ग्रीन नंबर प्लेट, ये दैट इज, ये हो गई इलेक्ट्रिक। आपको दिखा दूं जो आसपास का पूरा एरिया है ना, अगर आप देखोगे दिस इज पूरा कॉर्पोरेट एरिया, यहाँ पे बड़ी बड़ी MNCs के आपको ऑफिस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एम्प्लॉयज भी है, अब एम्प्लॉयज भी बस बोर्ड कर रहे हैं और वो शायद यहाँ से जाएंगे अब CSMT। बीच में भी बस रुकती है, पर ध्यान रखिएगा टाइमिंग्स का प्लस रूट का, बिकॉज दिस इज जस्ट अ न्यू बस, तो आने वाले टाइम में शायद थोड़े चेंजेस और हो। मैं कोशिश करूंगा, पूरी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जितना भी हो सकता है कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट जो जर्नी है ये कहना पड़ेगा। पर आप ये बस देखिए क्या जबरदस्त, ये डबल डेकर बस क्या लगती है। ये बता रहे हैं कि 4 बजे के बाद बस वहाँ में अंदर स्टैंड में नहीं जाता है। तो अगर आप देखोगे जितने पैसेंजर्स हैं डबल डेकर के, सब की सब यहीं उतर गए। आप एरिया देख लीजिए, सब पूरा कॉर्पोरेट एरिया, यहाँ पर सब पैसेंजर्स उतर गए। अब ये भी अच्छी बात है, मैं तो आपसे ही कहूँगा जर्नी करके आ गया इस बस में, बिल्कुल मजा। A115 ये जो आपका जो रूट हो गया। ब्लॉक की क्लोजिंग डबल डेकर बस के साथ, मेरे टोटल खर्च हुए 12 रुपए, 12 रुपीज यहाँ से CST से NCPA और वहां से वापस। ये देख, सच बता रहा हूँ खुशी बहुत है, बस जर्नी करके आ गया मजा। इसी बस में मैंने ट्रैवल किया था लंदन में और अब मुंबई में भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टाटा, टेक केयर। भाई साहब ब्लॉगिंग करके सच में मजा आ गया। लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी है यार, जब से बस को जो भी देख रहे हैं सब के सब वैसे हैप्पी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लंदन वाले नजारे भाई इंडिया में अब लिए हुए हैं तभी करके, क्योंकि अब देखें अब डबल टैकर भी है पहली बार, ये ऊपर से भाई AC, ऊपर से इलेक्ट्रिक, कोई मसला नहीं भाई, ऊपर से इंडर का इंटीरियर, ऊपर से सिर्फ 6 रुपए वाला दुख जो है ना वो भाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ किराया बहुत कम है भाई। ये यहाँ पे रक्षे वाले एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ पे आप उन्होंने भी 100-50-50 कर दिया। हाँ, और उधर भाई 6 रुपए में आप जाए भाई है मजे। देखा जाए ना, अब जो भी ये बस हम देखते थे ना या इसका नाम आता था डबल टेकर का, तो सबसे पहले आपको लंदन की याद आती थी कि भाई ऐसी बसेस जो है ना वो लंदन में ही चलती हैं यार। एक मतलब यही समझ ले कि ये तो अब इंडिया ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया है। हाँ, जो होता है ना रिकॉर्ड बनाना और टूटना, आज भी लंदन का रिकॉर्ड टूट गया। सेम टू सेम। हाँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना कि इंडिया में ऑलरेडी जो है ना वो टिक ये चलती रही है बस। अच्छा, ठीक है ना, वो दरमियान में हो सकता बंद हो गई हो, या जिस तरह वो बता रहे ना ड्राइवर कि आप पहले चलाते रहे लेकिन वो नॉन AC थी। अच्छा। और जो है ना वो इस तरह इलेक्ट्रिक नहीं थी, लेकिन ये कि हो सकता है उसकी शेप इससे थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना वो हटके है और ये खूबसूरत है। यहाँ पे ये देखो ना, बनाने का एक मकसद भी है ना, पहले हमने बसेस काफी देखी हैं, हमने देखा डबल टेकर भाई, वो स्लीपिंग बस सब हमने देखी है,
लेकिन वो एक मखसूस जगह के लिए भाई सिलेक्ट की जाती थी और उसका किराया थोड़ा लग्जरी टाइप हो गया, लग्जरी बस में आ जाती, लग्जरी में। लेकिन ये जो बस है भाई आम जनता के लिए, देख ले आम जनता ट्रेवल कर रही है भाई और अपने मजे में है भाई, एसी वाली में बैठे के सबसे ज्यादा को भाई ड्राइवर को खुशी थी कि वो सीधा भाई एसी वाली बस में आ गया है, क्योंकि वहाँ गर्मी गर्मी जारी बात है इधर हमारे होती ना, तो और मजा। अब देखो ना ऊपर 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 से धूप जब पड़नी थी तो भाई हमने वो भाई एक गोविंदा की मूवी भी देखी थी, उस टाइम देखा था मुंबई एक अंदरूनी सिटी, या आज देखा है वो ही सेम टू सेम भाई वेब आ रही थी, एक वो टैक्सी और हर चीज और सड़कें वगैरह सेम टू सेम आज भाई वो ही व्यू था, कोई चेंजिंग नहीं। और फर्स्ट टाइम देखा भाई मुंबई काफी खूबसूरत है, और जैसे ये बस चल रही थी ना स्कॉटलैंड की, आपको याद आएगी, याद है आपने वीडियो देखी होगी, यानी तीन चार बिल्डिंग यार एक मूवी देखी स्कॉटलैंड में, ऐसी बिल्डिंग होती है। हाँ भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।